शिकार होकर पहुंचने लगे। 100 अपराध को वैक्सीन लगाए जाने लगी। खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी की हिदायत पर कुत्ता मार मुहिम तेज कर दी गई। जेठा भट्टा में दर्जनों आवारा कुत्तों को मार दिया गया। म्युनिसिपल कमेटी कहते हैं कि आवारा कुत्तों का शूटर और जहरीले कैप्सूल की मदद से मारा जा रहा है। मुल्तान में मौजूद तमाम यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी का बहरान बरकरार। चीनी क्यों गायब है, कब आएगी? तमाम तर सूरत हाल से यूटिलिटी स्टोर के ऑफिशियल्स लाइन। ब्रांच मैनेजर कहते हैं 3 रोज तक स्टोर्स में चीनी आ जाएगी। मुल्तान निश्तर अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में मजीद 1 मरीज दाखिल। खून के नमूने इस्लामाबाद भिजवा दिए गए। कोरोना के शुबे में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 3 हो गई। मसूद ने कुछ अर्से कबल राजनपुर में चीनी अफराद के हमला मुलाजमत की थी। मियांवाली सहूलियात की कमी पर मोहल्ला सईदावाला के मकीन सरापा एहतजाज। कहते हैं गुज़िश्ता कई साल से मेन सड़क की मरम्मत नहीं की गई। बारिश के दिनों से गली से गुजरना मुहाल हो जाता है। मुतादिद बार डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को दरख्वास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोधरा रेलवे के रिहायशी क्वार्टर खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह खुदरो झाड़ियां मौजूद, दरवाजे खिड़कियां सब गायब। रेलवे क्वार्टर भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। रेलवे अफसरों का कहना है कि फंड की कमी के बाद क्वार्टर की मरम्मत नहीं हो सकी। भक्कर के मुख्तलिफ इलाकों मौजगढ़, मनकीरा, छम, शेरगढ़, कार्लोवाला में टिड्डी दल का हमला। चने और गंदम की फसल को शदीद नुकसान। जिला इंतजामिया ने हमले के फौरी बाद ही मुतासर इलाकों में स्प्रे कराना शुरू कर दिया। लैया जखीरांदोजों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई। गोदाम से 9000 बोरी चीनी और 2000 बोरी दाल बरामद। एसी नियाज अहमद ने गोदाम को सील कर दिया। कहते हैं कि जखीरांदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मुजफ्फरगढ़ मौसम की तब्दीली की वजह से आम के बागात में लगने वाला फल मुतासिर होने का खदशा। असिस्टेंट डायरेक्टर जरा शौकत अली आबिद ने कहा कि किसान बर वक्त आम के बागात में स्प्रे करें, इस बार आम की पैदावार में कमी हो सकती है। बहावलपुर के बच्चों को तालीम की तरफ राजिब करने में हुकूमती दिलचस्पी सिफर। जिले भर के 1659 स्कूलों में सिर्फ 4 स्कूलों की लाइब्रेरी की सहूलत फराहम करने की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी फराहम करने की हिदायत की गई थी। बहावलपुर ज़राअत के लिए हुकूमती पॉलिसियों से किसान नाखुश। कहते हैं उनके मसाइल कम जबकि मसाइल बढ़ रहे हैं। हुकूमत खाद पर सब्सिडी के बजाय उसका मार्केट रेट कम करे। मुल्तान फारूकाबाद के इलाके चीन माड़ी में घर की छत गिर गई, 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को निश्ता अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बहावलपुर आईजी पंजाब का तमाम इस्लामिक क्लरिकल स्टाफ के हवाले से अहम फैसला। पंजाब भर में एक ही सीट पर 3 साल से काम करने वाले क्लरिकल स्टाफ को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। फैसले पर अमल दरामद के लिए पंजाब के तमाम आरपीओ और डीपीओ को मरासला जारी। जामपुर थाना सिटी पुलिस के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। शहजाद और शहजादी गैंग के 5 अराकीन गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जे से 5 अदद पिस्तौल, 30 बोर समेत लाखों रुपए मालियत का माल मसरू का बरामद। दूसरी जानब पुलिस ने शराब फरोश मुलजिम साजिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ 40 लीटर देसी शराब, 120 लीटर लहन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुल्तान हेल्थ वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल की जानिब से मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त इलाज जारी। मेडिकल सोशल ऑफिसर ने 3.5 लाख के फंड मरीजों में तकसीम किए। मुल्तान में रेलवे ऑपरेशन मुतासिर। तमाम रेलगाड़ियां 3 से 4 घंटे ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। रेलवे हुकाम से ट्रेन शेड्यूल बेहतर करने का मुतालिबा कर दिया। बहावलपुर डिप्टी कमिश्नर शहजाद सईद का सब्जी मंडी का दौरा। फलों और सब्जियों की कीमतों का जायजा लिया। डीसी कहते हैं रास्तों पर बैठे परचून फरोशों को मुनासिब जगह फराहम करेंगे। निकासियात के मंसूबे को भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
खानपुर असिस्टेंट कमिश्नर की जेर सदारत पोलियो और डेंगू के हवाले से मीटिंग। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, म्यूनिसिपल कमेटी समेत तमाम इदारों के सरबराह की शिरकत। पोलियो मुहिम कामयाब बनाने और डेंगू के हवाले से हिफाजती इकदाम करने की हिदायत की गई। बहावलपुर 15वीं चोलिस्तान जीप रैली के लिए रेस्क्यू की तैयारियां मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकिर हुसैन की सरबराही में जीप रैली के हवाले से मीटिंग का इनेकास किया गया। रेस्क्यू टीमों के कैंपिंग के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। मुल्तान एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं क्लास के रेगुलर उम्मीदवारों की रोल नंबर स्लिप ऑनलाइन कर दी। कंट्रोलर इम्तहान के मुताबिक इल्हाक शुदा इदारे अपने लॉग इन को कोड के जरिए रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। पुलिस लाइंस मुल्तान में जनरल परेड का इनेकार। ट्रैफिक वार्डन, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, लेडीज स्टाफ और घुड़सवार दस्तों की शिरकत। सीपीओ मोहम्मद जुबैर दरेशिक ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रबनवाज सलाह के हमरा परेड का मुआयना किया। उधर खानेवाल, डीजी खान और मियांवाली में पुलिस लाइंस में भी हफ्तावार पुलिस परेड का इनेकाद हुआ। मांगने वालों के मजे लग गए। मुल्तान के मालदार शौकत भिकारी ने मांग मांग कर 2 मिलियन रुपए इकट्ठे कर लिए। शौकत भिकारी नई होंडा कार खरीदने का ख्वाहिशमंद है। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रहीम या खान, डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर की सालगिरह। दोस्त अहबाब और अफसरान की जानिब से नए ख्वाहिशात का इजहार। मुल्तान निश्तर अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में मजीद एक मरीज दाखिल। खून के नमूने इस्लामाबाद भिजवा दिए गए। कोरोना के शुबे में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 3 हो गई। मसूद ने कुछ अर्से कबल राजनपुर में चीनी अफराद के हमला मुलाजमत की थी। मियांवाली सहूलियात की कमी पर मोहल्ला सईदावाला के मकीन सरापा एहतजाज। कहते हैं गुजश्ता कई साल से मेन सड़क की मरम्मत नहीं की गई। बारिश के दिनों से गली से गुजरना मुहाल हो जाता है। मुतादिद बार डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को दरख्वास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोधरा रेलवे के रिहायशी क्वार्टर खस्ताहाली का शिकार। जगह जगह खुदरो झाड़ियां मौजूद, दरवाजे खिड़कियां सब गायब। रेलवे क्वार्टर भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। रेलवे अफसरों का कहना है कि फंड की कमी के बाद क्वार्टर की मुरम्मत नहीं हो सकी। भक्कर के मुख्तलिफ इलाकों मौजगढ़, मनकीरा, छम, शेरगढ़, कार्लोवाला में टिड्डी दल का हमला। चने और गंदम की फसल को शदीद नुकसान। जिले इंतजामिया ने हमले के फौरी बाद ही मुतासा इलाकों में स्प्रे कराना शुरू कर दिया। लैया जखीरांदोजों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई। गोदाम से 9000 बोरी चीनी और 2000 बोरी दाल बरामद। एसी नियाज अहमद ने गोदाम को सील कर दिया। कहते हैं कि जखीरांदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मुजफ्फरगढ़ मौसम की तब्दीली की वजह से आम के बागात में लगने वाला फल मुतासिर होने का खदशा। असिस्टेंट डायरेक्टर जरात शौकत अली आबिद ने कहा कि किसान बर वक्त आम के बागात में स्प्रे करें, इस बार आम की पैदावार में कमी हो सकती है। बहावलपुर के बच्चों को तालीम की तरफ राजिब करने में हुकूमती दिलचस्पी सिफर। जिले भर के 1659 स्कूलों में सिर्फ 4 स्कूलों की लाइब्रेरी की सहूलत फराहम करने की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी फराहम करने की हिदायत की गई थी। बहावलपुर ज़राअत के लिए हुकूमती पॉलिसियों से किसान नाखुश। कहते हैं उनके वसाइल कम जबकि मसाइल बढ़ रहे हैं। हुकूमत खाद पर सब्सिडी के बजाय उसका मार्केट रेट कम करे। मुल्तान फारूकाबाद के इलाके चीनमाड़ी में घर की छत गिर गई, 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बहावलपुर आईजी पंजाब का तमाम इस्लामिक रैलिकल स्टाफ के हवाले से अहम फैसला। पंजाब भर में एक ही सीट पर 3 साल से काम करने वाले क्लैरिकल स्टाफ को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। फैसले पर अमल दरामद के लिए पंजाब के तमाम आरपीओ और डीपीओ को मरासला जारी। जामपुर थाना सिटी पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां।
शहजाद उर्फ शहजादी गैंग के 5 अराकीन गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से 5 अटक पिस्तौल 30 बोर समेत लाखों रुपए मालियत का माल मसरू का बरामद। दूसरी जाने पुलिस ने शराब फरोश मुलजिम साजिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ 40 लीटर देसी शराब 120 लीटर लहन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया।